नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के वीडियो में मैं ऑप्शन एक्स के बारे में डिस्कशन करूंगा। ये हमारी एक एडवांस ऑप्शन की स्ट्रैटेजी है। ये स्ट्रैटेजी में क्या चीजें एडवांस आपको मिलेगी, किस प्रकार से कॉल जनरेशन आपको ये स्ट्रैटेजी में मिलेगा, कैसे आपको एनालाइज करना है किसी भी कॉल को लेके कि आपको परफेक्टली टारगेट्स मिल जाए, ये सारी बातें हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो जो हम डेली बेसिस पर पोस्ट करेंगे वो आप तक पहुंचते रहे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बाय कॉल के बारे में बताता हूँ। ये बायर्स और सेलर दोनों के लिए स्ट्रैटेजी काम करेगी। जब कोई भी बाय सिग्नल जनरेट करके देगी स्ट्रैटेजी तो आपको ग्रीन कलर का एरो मिलेगा। अब हर एक कॉल पे हमें ट्रेड नहीं करना होता है, हमें कॉल का कंफर्मेशन लेना होता है। उसके बाद आपको परफेक्शन मिलता है कि कौन सा कॉल आपको टारगेट दे जाएगा। वो कंफर्मेशन कौन से है? तो सबसे पहले जब कॉल कोई भी कैंडल पे आता है तो हमें एंड ऑफ द कैंडल वर्क करना होता है। कैंडल यहाँ पे हैकेनेसी कैंडल प्लॉट करके मिलेगी। अगर आपको नॉर्मल कैंडल्स में शिफ्ट करना है तो यहाँ से आप हैकेनेसी को कैंडल स्टिक पैटर्न में चेंज कर लो तो आपको ये पैटर्न चेंज होके मिल जाएंगे। तो सबसे पहले एंड ऑफ द कैंडल हमें वर्क करना है, ये मैं आपको बता रहा था। तो एंड ऑफ द कैंडल का मतलब ये होता है जिस भी कैंडल पे कॉल जनरेट हो जाए, ठीक है, वो कैंडल क्लोज होने तक आपको वेट करना है। अगर वो कैंडल क्लोज होने के बाद आपका कन्फर्मेशन कॉल को फॉलो करता है तो वो कॉल परफेक्टली आपको टारगेट दे जाता है। अभी कैंडल के क्लोजिंग के लिए हमें यहाँ पे एक टाइमर दिया गया है, ये फॉलो करना है। अगर कैंडल पे कॉल आता है और ये टाइमर जीरो हो जाता है उस समय आपको यहाँ पे एंट्री का मौका मिलता है। उस समय आपको दो तीन चीजें जो देखनी होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले ये आपको देखना है कि जो स्टॉपलॉस की लाइन है, ये व्हाइट कलर की लाइन, ये कॉल के नीचे होनी चाहिए। सेकेंड थिंग, आपका जो वॉल्यूम है ये ग्रीन कलर में होना चाहिए। और थर्ड थिंग है बायर्स का सेलर्स का परसेंटेज। तो यहाँ पे 84% मैक्सिमम बायर्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं, तो जो बायर्स का परसेंटेज है वो मैक्सिमम होना चाहिए, तब जाके ये कॉल कंफर्म माना जाता है। तो इस तरह के कॉल्स में आप अगर ट्रेड करो तो परफेक्टली आपको फर्स्ट टारगेट मिल ही जाता है। इस फर्स्ट टारगेट का कंप्लीशन आपको 90-95% सारे कॉल्स आपको दे जाएंगे। उसके लिए आपको बस कंफर्म कॉल का वेट करना है और ऐसे ही कॉल में आपको ट्रेड करना है। इस तरह के कॉल्स परफेक्ट माने जाते हैं और ये परफेक्टली आपको टारगेट दे जाते हैं। अब इसके अलावा क्या एडवांस चीजें हैं सॉफ्टवेयर में, ये मैं आपको बता रहा हूँ, जिसके कारण आपको एक एडवांस व्यू मिलेगा कि क्या मार्केट में हो रहा है। जैसे कि जब कोई भी बाइंग का या फिर स्ट्रांग सेलिंग का स्ट्रेंथ मार्केट में रहता है तो आपको कैंडल के कलर्स यहाँ पे डिनोकेट होके मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रांग सेलर्स का स्ट्रेंथ अगर होगा मार्केट में तो आपके कैंडल्स यहाँ पे रेड में दिखाई देंगे। जब रेड से होके मार्केट बाइंग में जाना स्टार्ट करेगा उसके पहले एक साइडवेज का जोन स्टार्ट होता है, ठीक है, उस समय कैंडल्स के कलर ब्लूइश होना स्टार्ट कर देंगे। ये एक इंडिकेशन आपको ये दर्शाता है कि कभी भी मार्केट रिवर्सल हो सकता है। तो ऐसे समय आपको अलर्ट रहना है कि कोई भी आपको सेल की पोजीशन फ्रेश बनानी नहीं है, फ्रेश बाय कॉल के लिए आपको वेट करना है। दूसरा इंडिकेशन आपको ये सॉफ्टवेयर में क्या मिलेगा, एक नॉचेस बनते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रीन कलर का नॉच है, यहाँ पे रेड कलर का नॉच है। इसका भी ये एक इंडिकेशन आपको मिलेगा कि सपोज ग्रीन कलर का इंडिकेशन यहाँ पे आ चुका था तो आपको एक कन्फर्मेशन हो चुका था कि मार्केट अभी बाइंग के साइड शुरू होना स्टार्ट करेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे दोबारा स्ट्रैटेजी ने अलर्ट दिया कि आप बाय के लिए वेट करो, कोई भी कॉल आता है तो उस पर आपको ट्रेड करना है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे आपको कंफर्मेशन का कॉल मिला और आपने परफेक्टली एंट्री लिया जब सारे कंडीशन यहाँ पे मैच कर गए और परफेक्टली आपको फर्स्ट टारगेट मिल गया। फर्स्ट टारगेट आपका 10% का रिटर्न इजिली दे देता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी इस ट्रेड की बात करें तो हम बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो 220 के आसपास की आपकी एंट्री बनी। तो अगर इन्वेस्टमेंट की बात करो हम इस ट्रेड के बेस पे, तो हमारा इन्वेस्टमेंट बनेगा 5500 का आपका इन्वेस्टमेंट बना एक लॉट के बेस पे, और जो टारगेट आपका था 241, मतलब ऑलमोस्ट आपको ये 21 रुपीज का प्रॉफिट दे गया। तो 21 को आप अगर मल्टीप्लाई करो 525 रुपए का ये आपको प्रॉफिट देता है।
तो इसी प्रकार का एनालिसिस आपको करना है और फर्स्ट टारगेट के बेस पे ही आपको एग्जिट करना है। ओनली परफेक्ट कॉल में आप ट्रेड करो तो ये इजीली आपका 10% ऑन योर कैपिटल दे देगा। तो ये रही हमारी 41,000 के बेस पे कॉल की बात, जो आपको एक ही ट्रेड मिला पूरे दिन में। उसके बाद आप देख सकते हो ये सेलिंग का आपको व्यू दिया यहाँ से, और सेलिंग के व्यू के बाद कहाँ मार्केट गया। तो ये इंडिकेटर ने जब आपको सेल का व्यू दर्शाया उसके बाद आप देख सकते हो मार्केट कहाँ तक गया। वो अगर आप देखो रेट की बात तो 238 को आपको इसने सेल का इंडिकेशन दिया और उसके बाद जो लो लगा 122 का। सो ये नॉचेस भी कितने परफेक्टली काम करते हैं आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह का एनालिसिस आप अगर करो तो ये नॉचेस के बेस पे भी आपको एक इंडिकेशन मिलेगा। जो भी ट्रेडर्स स्कैल्पिंग में ट्रेड करते हैं तो उनके लिए 10, 20 या फिर 15 पॉइंट्स का जो मोमेंटम ट्रैक करना होता है वो ये नॉचेस के बेस पे आप इजीली ट्रैक कर सकते हो। सो आइए जान लेते हैं 41,000 के पुट के बेस पे भी क्या रहा मार्केट। तो ये 41,000 का पुट मैंने लगा के रखा है आज 10th of April। सो मार्केट यहां पे ओपन हुआ आज, ठीक है। आप देख सकते हो ये फर्स्ट कैंडल थी, उसके बाद एक बाय कॉल जनरेट हुआ। ये एक परफेक्ट कॉल नहीं था क्योंकि परफेक्ट कॉल के डेफिनेशन के हिसाब से हमारे जो स्टॉप लॉस की लाइन है वो नीचे होनी चाहिए थी, ये ऊपर है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो फेक कॉल भी यहाँ पे टारगेट्स आपको इजीली दे जाते हैं। और तीसरी बात, जो नॉचेस की बात मैंने की थी, नॉच भी यहाँ पे आ चुका था बाई का और इजीली उसके बाद मार्केट ने अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे आपको करवा दिया। आप देख सकते हो इसका जो रेट था 240 का था जब ये नॉच जनरेट हुआ, और उसके बाद जो हाई लगा 282 का, अराउंड 290 तक भी गया मार्केट। उसके बाद एक सेल का नॉच आया, सेल का नॉच आने के बाद मार्केट ने जो मोमेंटम दिया वो कितने पॉइंट्स का था वो भी देख लो। 253 पे ये सेल का नॉच आया था और जो उसके बाद लो लगा वो 166 का। फिर एक बाय का नॉच आया जो आया 190 रुपीज पे, और उसके बाद जो हाई लगा आप देख सकते हो 362 का। तो ये नॉचेस भी काफी बेहतरीन वे में आपको गाइड करते हैं, ये भी आप देख सकते हो। ये एक एक्स्ट्रा इंडिकेशन हमने प्लॉट किए है अभी ये ऑप्शन एक्स स्ट्रेटेजी में, जो बेहतरीन वे में आपको स्कैल्पिंग के वे में हेल्प करेंगे। तो उस हिसाब से अगर 41,000 के पुट में हम देखें तो कोई भी परफेक्ट कॉल नहीं मिला आपको, दोनों फेक कॉल थे। ये भी एक फेक कॉल था जो इजीली आपको टारगेट दे गया, और ये भी एक फेक कॉल था जो आपको टारगेट दे गया। ये फेक कॉल इसके लिए था कि आप देख सकते हो नीचे वॉल्यूम आपका नहीं था, तो आपको ट्रेड नहीं करना है ऐसे कॉल में। ओनली परफेक्ट कॉल में ट्रेड करें, भले ही आपको एक या दो ही कॉल मिले दिन के, लेकिन वो परफेक्टली आपको टारगेट दे जाए। हमने बैंक निफ्टी का एनालिसिस किया आज के ये वीडियो में, 41,000 का कॉल भी हमने चेक किया, 41,000 का पुट भी हमने चेक किया। दोनों का टाइम फ्रेम जो आप प्रेफर करो, जब आप इंट्राडे कोई भी स्टॉक प्राइस को एनालाइज करो ट्रेड के लिए तो वो 5 मिनट का होता है, और फर्स्ट टारगेट आपको प्रेफर करना है। जब कोई भी परफेक्ट कॉल आपको मिले उसके बेस पे जब आप ट्रेड करो तो एक लॉट या फिर आप मल्टीपल लॉट्स में ट्रेड करो, लेकिन आप टारगेट फर्स्ट प्रेफर करो। 10% का आपका जो भी कैपिटल होता है उसका रिटर्न आपको इजीली मिल जाएगा। सो आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया। प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।